हेलो एवरीवन, आज से हम लोग डिफरेंशिएशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। और इसको एक एक करके सब सारे सवाल, सारे फॉर्मूले, सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, ठीक। चलिए लेक्चर वन में पहले पार्ट में हम लोग पहले फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला नंबर वन, डिफरेंशिएशन ऑफ x^n का डिफरेंशिएशन nx^n-1। ये बेसिक फॉर्मूला, पहला नंबर फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x^n इज इक्वल टू nx^n-1। इस पर एक एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए डिफरेंशिएशन करिए किसका, x^10 का। तो क्या कर रहे हैं, इसमें जब फॉर्मूला ही बनाए हैं, फॉर्मूले में क्या किया है, जो पावर थी पहले आगे आएगी, फिर उसी पावर में एक पावर कम हो गई है, तो इसमें क्या होगा, 10 आगे आएगा और फिर 10 में से एक कम हो जाएगा, और कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 10x^n-1 यानी 10x^9, ठीक है ना। एक और सवाल देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ √x, इसका मीनिंग हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x^1/2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए x^n है, पावर कितनी है 1/2, तो पहले 1/2 आगे आएगा, फिर उसमें एक पावर कम हो जाएगी, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू 1/2x^-1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस पावर को जब नीचे भेजेंगे तो क्या लिख जाएगा, 1/2x^ नीचे जब जाएगा तो x^+1/2, इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट। तो आंसर क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ √x = 1/2√x। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पे बेस, डिफरेंशिएशन ऑफ x^9/2, पावर पहले आगे आएगी तो 9/2 आगे आ गया, इसमें 9/2 में से एक कम होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 9/2x^7/2। तो ये पहला फॉर्मूला, और उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने करके दिखाए हैं, इसी तरह से आप इसको समझेंगे और आगे करेंगे, ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं इसी पे बेस्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x, इसका मीनिंग हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x^1/2, इस पावर को जो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे टर्म को, तो क्या हो जाएगा, x^-1/2 के रूप में आ जाएगा। अभी देखो x^m का फॉर्मेट है, तो पहले पावर आगे आएगी तो -1/2 आगे आएगा, फिर एक पावर कम होगी तो -1/2 -1 कितनी वैल्यू आएगी, -1/2x^-3/2 कोई डाउट। अब इसको जब हम लिखेंगे तो -1/2x^ पावर को नीचे भेजेंगे x^+3/2, और 3/2 पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 का मतलब डेढ़ पावर, एक पावर ये हो गई और आधी पावर ये हो गई, तो टोटल क्या आ जाएगा, -1/2x√x। तो आपके पास दो फॉर्मूले एक तरह से और भी बन गए अलग से, इनको आप याद रखेंगे धीरे से, डिफरेंशिएशन ऑफ √x, बताया था 1/2√x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x इज इक्वल टू -1/2x√x, ठीक, कोई दिक्कत चलेगा ना। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले पे बेस दो बातें और याद कर लेंगी आपको इसी के साथ, कि अगर कहीं आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ x कहें x का डिफरेंशिएशन करो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x यानी dx/dx की वैल्यू कितनी होगी, 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अगर कहें तो इसकी वैल्यू 0 होगी। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना, एक ये याद और कर लेना, एक ये छोटा सा, ये फॉर्मूले नंबर 1 के ही पार्ट समझो एक तरह से। एक और सवाल, एक और फॉर्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, 1/x को हम अभी स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x^-1, तो -1 पावर आगे आएगी फिर एक पावर कम होगी, तो -1 एक और कम होगी तो -2 पावर हो जाएगी, और इसको जब देखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से तो क्या आंसर आ जाएगा, -1/x^2, जब पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है,
ठीक है ना, तो x की पावर माइनस टू थी तो नीचे गई, तो x की पावर प्लस टू हो गई। तो ये भी एक फॉर्मूला भी बन गया आपका, एक और बन गया मान लीजिए फिफ्थ नंबर, इसको बना देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। ये पहले फॉर्मूले पे बेस्ड जितने क्वेश्चन थे उनको हमने आपको समझाया, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई समस्या हो तो बताइए। चलो एक और देखते हैं, और फॉर्मूले इसकी बाकी रिमेनिंग फॉर्मूले हम लिख देते हैं, सारे फॉर्मूले एक जगह हो जाएंगे आपके पास, फर्स्ट वीडियो में सारा फॉर्मूला कवर कर लेते हैं। अब दूसरा नंबर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, क्या फॉर्मूला है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। तीसरा नंबर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, और फोर्थ नंबर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, एंड फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन। ये सारे फॉर्मूले अपने अलेवेंथ में पूरे डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़े हैं, वन अपॉन एक्स लॉग ए बेस बेस ए ई, ये पांच फॉर्मूले आपके हो गए। फर्स्ट फॉर्मूला जो भी हमने बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, दूसरा ये, तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचों फॉर्मूले आपके पहली एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेंगे, काम आएंगे, ठीक है। इन पर जरा सवाल भी देख लें दो और, नोट कर लिया होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे लिखा है 15x की पावर 4, तो देखिए पहले कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएशन के सिंबल से बाहर निकाल दीजिए। अब जरा देखिए फॉर्मेट क्या बना, x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला बनाइए, क्या बनेगा फॉर्मूला, 4 पावर आगे आएगी और 1 पावर कम हो जाएगी, तो इसको अगले स्टेप 4x क्यूब कैलकुलेट करेंगे, 60x क्यूब आंसर। कोई डाउट, एक और देखते हैं इसी पे बेस्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर माइनस 11 बाई 2 प्लस e टू द पावर x माइनस 7 log x बेस e। तो देखिए डिफरेंशिएशन का सिंबल प्लस और माइनस के साथ अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन के सिंबल को प्लस और माइनस के साथ हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये ऐसे सवाल बन जाएगा। और आपको बताया था एलेवेंथ में कि डिफरेंशिएशन के सिंबल के अंदर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसको बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें लॉग एक्स के साथ कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे 7 को, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस 11 बाई 2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 11 बाई 2 माइनस 1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा, 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस 11 बाई 2 x की पावर माइनस 13 बाई 2 प्लस e टू दी पावर x माइनस 7 अपॉन x आंसर, ठीक है। इन पांच फॉर्मूले पे बेस्ड आपके ये कुछ हमने सवाल करवाए, और हम बाकी के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड और इन्वर्स से रिलेटेड लिख देते हैं, तो याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स लगा के देखेंगे और समझेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x is equal to minus cosec x into cot x,
फॉर्मूला नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूले हो जाएंगे जिनका यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। चलिए आगे देखते हैं, इनवर्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेंगे हमको। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 − x²। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू −1/√1 − x²। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1+x², ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot इनवर्स x इज इक्वल टू −1/1+x², ठीक है ना। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x√x²-1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec inverse x is equal to −1/x√x²-1। ये आपके इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन सारे फॉर्मूलों को एक जगह नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आगे हम लोग अब प्रोडक्ट और फर्स्ट इनटू सेकंड पे बेस्ड फॉर्मूले देख लें, लिख लेते हैं और फिर इन पर हम लोग काम। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में लिखें तो क्या फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला होगा। इसके सवाल जैसे मान लीजिए आ जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ x e^x, तो क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। e की पावर x का डिफरेंशिएशन और dx अपॉन dx की वैल्यू दोनों रख दीजिए। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये e की पावर x ऐसे लिखा है, इसकी वैल्यू 1। दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर x, x प्लस आंसर। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड तक इसी वीडियो में, इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, पूरा वीडियो कंप्लीट अच्छे तरीके से देखें, बार बार देख करके इसको हर चीज़ को समझें, कहीं कोई समस्या हो तो बात करें उनसे।